कस्तूरबा गांधी विद्यालय में नामांकन को लेकर शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों ने चलाया जनसंपर्क अभियान। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय रंगरा के द्वारा सत्र 2021 से 2022 में छात्राओं के नामांकन के लिए अभियान चलाया गया है। इस क्रम में शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों ने मुरली बनिया और भवानीपुर गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया है। इस क्रम में वरीय साधन सेवी मुकेश मंडल, कस्तूरबा गांधी विद्यालय के संचालक नरेंद्र कुमार, वार्डन लता मिश्रा, प्रियंका कुमारी, सिंधु कुमारी, आदेश पाल, संजीव कुमार भ्रमण टीम में शामिल थे। वरीय साधन सेवी मुकेश मंडल ने बताया कि कोरोना के कारण फिलहाल बालिका छात्रावास बंद है, परंतु विभाग द्वारा रिक्त हुए सीटों के लिए नामांकन का निर्देश दिया गया है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विजय कुमार झा ने योग्य छात्राओं का नामांकन को लेकर विभागीय मानदंडों के अनुसार निर्धारित सुविधाओं का शत प्रतिशत पालन करते हुए विद्यालय संचालन का आदेश दिया है। खबर 30 सेकंड के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। वानी विवाह भवन 0 माइल NH 31 नवगछिया। शादी विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारे। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। रंगरा में आयोजित पंचायत समिति की बैठक में उठा जल नल योजना में अनियमितता का मामला। अन्य मुद्दों पर भी जनप्रतिनिधियों ने पदाधिकारियों के साथ की चर्चा। रंगरा प्रखंड मुख्यालय में शुक्रवार को पंचायत समिति की बैठक का आयोजन प्रखंड प्रमुख संजीव कुमार उर्फ मोती यादव की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में पंचायत समिति सदस्यों ने पंचायत में चल रहे जल नल योजना की अनियमितता की बात को सामने रखा, जिसमें तिनटंगा दियारा उत्तर के पंचायत समिति सदस्य राजेंद्र मंडल उर्फ चुन्नी अमीन ने जल नल योजना में व्याप्त अनियमितता के मामले को उठाया। उन्होंने प्रखंड में चल रहे विभिन्न तरह के योजनाओं के क्रियान्वयन में सख्ती लाने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार का ध्यान आकृष्ट किया। इसके बाद कई जनप्रतिनिधियों ने अलग अलग समस्याओं को रखते हुए पदाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराया और जन समस्याओं से तत्काल जनता को निजात दिलाने की मांग भी पदाधिकारियों से की। बैठक में रंगरा के प्रखंड विकास पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार, भवानीपुर के मुखिया दीपक कुमार उर्फ शिकारी शर्मा, उप प्रमुख पवन कुमार, दिवाकर सिंह, उमेश प्रसाद सिंह, सुलेखा देवी, बेला देवी, चांदनी देवी समेत अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। रंगरा पुलिस ने एक साथ वाहन और मास्क जांच अभियान चलाकर वसूल किया 3900 रुपये जुर्माना। रंगरा पुलिस ने थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर एक साथ मास्क और वाहन जांच अभियान चलाकर कुल 3900 रुपये जुर्माना वसूल किया है। जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष महताब खान ने कहा कि मास्क नहीं पहने कुल 18 लोगों से 900 रुपये और ट्रैफिक कानून का उल्लंघन करने वाले 4 वाहन चालकों से 3000 रुपये वसूल किया गया है। मंदरौनी में राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए सड़क हादसे में एक घायल। रंगरा ओपी थाना क्षेत्र के मंदरौनी चौक के समीप शुक्रवार को देर शाम NH 31 पर हुए सड़क दुर्घटना में पूर्णिया जिले के जलालगढ़ निवासी उमेश पंडित गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से उसे इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में प्राथमिक उपचार कराने के बाद उसकी स्थिति को गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उसे बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भागलपुर रेफर कर दिया है। जानकारी मिली है कि उमेश अपनी मोटरसाइकिल से पूर्णिया जा रहे थे। मंदरौनी के पास मोटरसाइकिल असंतुलित हो जाने के कारण वे सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। मामला पुलिस पदाधिकारियों के संज्ञान में है। रंगरा पुलिस ने शराब के नशे में 2 लोगों को किया गिरफ्तार। रंगरा पुलिस ने ग्रामीणों की सूचना पर गुरुवार को देर रात छापेमारी कर थाना क्षेत्र के झल्लूदास टोला निवासी मणिकांत साह और ज्ञानीदास टोला निवासी सोनू कुमार को शराब के नशे में गिरफ्तार कर लिया है। रंगरा के थानाध्यक्ष महताब खान ने जानकारी देते हुए कहा कि दोनों गिरफ्तार लोगों को न्यायिक हिरासत में शुक्रवार को भेज दिया गया है। आज की खबर में बस इतना ही। धन्यवाद।
लगातार अपने क्षेत्र की खबर जानने हेतु जीएस न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और वीडियो को शेयर कर कमेंट जरूर करें।